निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। जिला बिलासपुर के स्वार घाट में सांसद अनुराग ठाकुर ने श्रम एवं कामगार कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम में भाग लिया और लगभग 100 महिलाओं को साइकिल प्रदान किए, जबकि 200 अन्य महिलाओं को अन्य सामान प्रदान किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष शर्मा मौजूद रहे। सांसद अनुराग ठाकुर ने जिला बिलासपुर के दौरे के दौरान स्वार घाट में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि धन्यवाद तो पाकिस्तान को भारत का करना चाहिए, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को वापस किया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह अपने परम वीर योद्धा अभिनंदन की वापसी का स्वागत करते हैं और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति के कारण है। पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया जिस कारण मात्र 3 दिन में हमारा योद्धा वापस अपने वतन लौटा है। हालांकि उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इसका श्रेय पाकिस्तान को देने में लगे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को देने लगे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारे देश में राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि जहां पूरा श्रेय भारत सरकार को देना चाहिए, वहीं पर विपक्षी दल इसका श्रेय पाकिस्तान को देने में लगे हैं। अभिनंदन जी की वापसी, पूरा हिंदुस्तान इंतज़ार कर रहा था, पर मोदी सरकार ने दबाव बनाकर कूटनीति से और जेनेवा संधि के अनुसार मात्र 3 दिन के अंदर अपने शूरवीर अपने योद्धा को हिंदुस्तान वापस लाई। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। समस्त भारत उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता है। दुख इस बात का है जब कुछ विपक्षी दल इसका श्रेय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देते हैं। राजनीति का स्तर तक गिरेगी कि पाकिस्तान हर दूसरे दिन उसकी ज़मीन से आतंकवाद इतना फैलता है, हिंदुस्तान में लोगों की जान जाती है, हमारे सैनिकों की जान जाती है, उनको श्रेय देते हैं। अरे श्रेय देना है तो अपनी देश की सरकार को और भारत को देना चाहिए, जिनके साथ पूरी दुनिया के देश आकर खड़े हो गए, पाकिस्तान पर दबाव बना और पाकिस्तान को झुकना पड़ा। और यही नहीं, धन्यवाद ही तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान का होना चाहिए कि 71 के युद्ध के बाद 93,000 सैनिक हमने लौटाए थे।